क्या आपके कूल्हे में पेन रहता है, या आपकी घुटने में दर्द है, या आपके जांघ के बाहरी हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाराशर हीलिंग और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन जोशी। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियोज में देखा, जिसमें हमने बात करी थी काफ़ी अनकॉमन प्रॉब्लम्स की, जो कि आज के टाइम में काफ़ी कॉमन है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक अनकॉमन प्रॉब्लम जिसका नाम है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम अनकॉमन क्यों है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये प्रॉब्लम हमेशा एथलीट्स में ही पाई जाती है। एथलीट्स जैसे कि फुटबॉल के खिलाड़ी, मैराथन रनर्स या फिर हॉकी के प्लेयर, जो कि कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं। लेकिन आज की जीवन शैली में ये प्रॉब्लम हमारे आम आदमी को भी काफ़ी परेशान करने लगी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलियोटिबियल बैंड होता क्या है। इलियोटिबियल बैंड एक काफ़ी पतली टेंडन शीट होती है, जो कि आपके कूल्हे की या हिप बोन के ऊपर से शुरू होके आपके शिन बोन तक या टीबिया बोन तक फैली रहती है। ये काम करती है आपकी मसल्स को बोन से जोड़ने का। अब ये बात करते हैं कि इसमें तकलीफ क्यों होती है। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये पाई जाती है हमारे घर की गृहिणियों में, क्योंकि उनका सारा काम जो होता है, किचन का, सफाई का, घर का 90% काम खड़े खड़े होता है। तो उनके खड़े रहने की वजह से इस टेंडन शीट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आने लग जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि ज़्यादा खड़े रहने की वजह से पैरों की और हिप की जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती है, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस्ड होती है, ओवर एक्सर्सेट होती है। तो उसकी वजह से भी इस टेंडन शीट के ऊपर लोड बढ़ जाता है और ये जांग की बोन के साथ रगड़ खाने लगती है। तो सबसे कॉमन जो पेन की साइट होती है वो होती है एक तो आपके हिप जॉइंट के पॉइंट पे, दूसरी होती है नी जॉइंट के पॉइंट पे। तो इन दोनों जगह पे अगर ज़्यादा पेन महसूस होता है तो उसका सबसे कॉमन कारण रहता है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा खड़े रहने की वजह से ये पेन होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े रहने की वजह से ही होता। अगर आपका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, या आप ज़्यादा क्रॉस लेग या पलथी मार के या मांडी डाल के बैठे रहते हैं, तो उस केस में भी इस बैंड को काफ़ी खिंचाव का सामना करना पड़ता है और इसमें दर्द शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब आपको क्या तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले तकलीफ होती है कि इसमें हिप बोन में या नी जॉइंट में पेन शुरू होता है। इनिशियल लेवल या स्टार्टिंग में या शुरुआत में ये पेन जो है सिर्फ आपके चलने पर या खड़े रहने पर महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन बिगड़ती जाती है ये पेन आपको रेस्ट में भी रहने लगता है। जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, स्पेशली यंग एथलीट्स, उनको ये पेन पहले स्टार्टिंग में रेस्ट में होता है, सेकंड स्टेज में ये पेन एक्सरसाइज के दौरान होता है, और जब कंडीशन बिल्कुल बिगड़ जाती है तो ये पेन उनको रेस्ट करने के दौरान भी फील होता रहता है। तो जैसा हमने बताया कि खड़े रहने की वजह से या ज़्यादा बैठे रहने की वजह से ये पेन होता है। एक और जो बहुत कॉमन गलती या बहुत कॉमन हमारी लाइफस्टाइल में आजकल जो जुड़ी हुई है वो है एक करवट लेके लेटे रहना। हम लोग एक करवट लेके लेटे रहते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि हिप जॉइंट की जो बोन है वो लगातार इस टेंडन के साथ फ्रिक्शन करती रहती है, यानी घर्षण करती रहती है, तो उसकी वजह से भी इस टेंडन शीट में सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें पेन होता है। और फिर क्या होता है, जब भी आप करवट लेना चाहते हैं या करवट से सीधा होना चाहते हैं, आपको जांघ के बाहरी हिस्से में सीवियर पेन या सीवियर जलन महसूस होती है। तो इस केस में भी इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम मेन कल्प्रेट होता है। अब जानते हैं कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपकी जो स्टैंडिंग एक्टिविटीज है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपकी सिटिंग ज़्यादा है तो आपको पोजीशन चेंज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पोजीशन चेंज का मतलब है ज़्यादा खड़े हैं तो थोड़ी देर में बैठ जाएं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं थोड़ी देर में खड़े हो जाएं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप यंग एथलीट हैं या किसी भी एज के एथलीट हैं, तो आपको वार्म अप
एक्सरसाइज एंड कूल डाउन पीरियड के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर वार्म अप ना करने से भी आप इस तकलीफ से जूझ सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज जिसमें कि आपका इक्विपमेंट खराब है, आपके जूते खराब हैं, आपकी टेक्निक खराब है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कूल डाउन, अगर आप एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर कूल डाउन का समय नहीं लेते हैं तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे घर की गृहणियाँ जो कि ज़्यादा खड़े रह के काम करती हैं, वो अगर अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करें या साथ में एक चेयर या स्टूल रखें जिस पर थोड़ी देर में बैठ सकते हैं, तो वो इस प्रॉब्लम से बच सकती है। और अगर आपको एक करवट लेके लेटे रहने की आदत है तो डेफिनेटली आपको वो आदत बदलनी पड़ेगी। अब हम ये जानते हैं कि हमारी संस्था में हम इसका इलाज कैसे करते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट नी प्रॉब्लम लेके आता है, हिप का पेन लेके आता है, तो हम उसको पहले अच्छे से चेक करते हैं और फिर उसका डायग्नोज निकाला जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास आने वाले कम से कम 20-30% नी पेन के पेशेंट जिनको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज किया जाता है, उनका पेन का मेन कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है, या इनिशियल आर्थराइटिस डायग्नोज किया गया तो वो भी उसका कारण नहीं होता है, उनके पेन का कारण ये इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम ही होता है। तो प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद ही इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। बीमारी को डायग्नोज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी कई दूसरी बीमारियों के साथ छिप जाती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, हिप एवियन की प्रॉब्लम हो गई, अगर आपके लंबर में कंप्रेशन है या शियाटिका की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी ये बीमारी कई बार छिपी रह जाती है। और हम जो ओवर लाइन बीमारी है जैसे कि आर्थराइटिस है या शियाटिका है, उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन पेशेंट को आराम नहीं आता है। तो हमारी संस्था में हम ये श्योर करते हैं कि हम आपका डायग्नोस प्रॉपर करें और उसके बाद में इलाज शुरू करें। तो अगर आपको ये बीमारी के लक्षण हैं तो आप हमारी संस्था से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें ताकि इसका आपको प्रॉपर इलाज मिल सके और उसके बाद में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के भी सारे टिप्स हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज क्या क्या चीज़ें बदलनी है और साथ में थोड़ा डाइट चार्ट भी हम आपको देंगे जिससे कि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी कड़ी में हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक और अनकॉमन प्रॉब्लम के साथ जो कि आज के टाइम में कॉमन है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।